फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ग्लास पेंटिंग प्लस पिचोरी पेंटिंग प्लस मीनाकारी पेंटिंग का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज उसे एक बार विजिट कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो लास्ट पार्ट हमने एंड किया था कलरिंग पार्ट के स्टार्ट पर, आज हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट टू में। ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बिकॉज मैं इस पेंटिंग का थर्ड पार्ट नहीं बनाना चाहती थी, सो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो हमने वाइट कलर एक्रेलिक कलर ही किया है थोड़ा वाइट बेस देने के लिए। अब हम मैंने ये वाले ग्लास कलर कैमल के ग्लास कलर यूज किए हैं, तो ये एक मीडियम नेम से एक कलर है, दूसरा ब्लू कलर है, तो इन दोनों ब्लू कलर को मैं ही यूज करूंगी। प्लस आप एक ब्रश भी ले लीजिए सो दैट आप इनको अच्छे से स्प्रेड कर सके। एंड एक मेन जो मिस्टेक है जो नॉर्मली हो जाती है एक आर्टिस्ट से, वो ये कि ग्लास कलर को करते टाइम हमारे बबल्स बन जाते हैं, तो आपको ब्रश की हेल्प से वो बबल भी मिटाने पड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने ब्लू कलर को स्टार्ट किया, सेम वे से आप दूसरी जगह पर भी ब्लू कलर कर लेंगे। एक बार ब्लू कलर हो जाएगा उसके बाद ही पहले हम ग्लास कलर पूरा फिल करेंगे एंड उसके बाद ही हम मीनाज इसमें प्लेस करेंगे। तो मीना तो मैंने बहुत सारी तरह के मीनाज आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होंगे, सो मैंने मीना यूज़ किया। प्लस आप मीना के साथ साथ बिंदी भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने मीनाज वगैरह किए थे। अभी तो बेस ही रेडी कर रहे हैं। जो वाइट कलर मैंने यूज़ किया था यहाँ पे एक्रेलिक कलर, उसके ऊपर ही मैं येलो कलर कर रही हूँ एक शेड क्रिएट करने के लिए। तो येलो कलर हो गया ज्वेलरी का पार्ट, ऊपर मुकुट के पार्ट, इसमें भी मैं येलो कलर का ही बेस बनाऊंगी। एंड ये येलो कलर प्योर येलो कलर नहीं बोल सकते, इसलिए गोल्डन येलो कलर है। सो बेस काफी सुंदर बन जाएगा एंड उसके ऊपर जब हम मीना पेस्ट करेंगे तो काफी ब्यूटीफुल होगा। पेस्ट कलर एक तरह से हो गया, मैं फेविकोल की हेल्प से ये मीनाज को पेस्ट करने वाली हूँ। मैंने मीनाज, कुंदन, बीड्स सब ये एक साथ इसमें मिक्स किए हैं। कहीं कहीं पर मैंने स्टोन्स भी यूज किए हैं और कहीं कहीं पर मैंने बिंदी भी यूज की है इफेक्ट लाने के लिए। तो अगर आपको मीनाज इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप बिंदी, स्टोन बिंदी को भी यूज कर सकते हैं, वो भी काफी खूबसूरत लगती है। तो सबसे पहले तो मुकुट पार्ट को कम्प्लीट किया एंड मुकुट के बाद ही हम कृष्ण जी की पोशाक वगैरह को डेकोरेट करेंगे। एंड गाइस, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था, लाइक मीनाज को पेस्ट करना इज सो रिलैक्सिंग ना, ये बहुत ही सबसे इजी और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट था इस पेंटिंग का। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बिंदी को यूज किया है यहाँ पे डिजाइन भगवान जी के पोशाक को डिजाइन करने के लिए। तो अगर आपके पास भी इस तरह की बिंदी है तो इंस्टेड ऑफ आप मीनाज बाय करें, आप बिंदी को भी यूज कर सकते हैं। अब ये कुछ कुंदन थे मेरे पास, सो मैंने उन कुंदन से भी यहाँ पे डेकोरेशन की है। एक बार ऊपर भगवान जी कंप्लीट हो गए, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए। सो यहाँ पे मैंने टू शेड्स के फ्लावर्स बनाए थे नीचे, सो इसमें मैंने पिंक कलर और येलो कलर दोनों यूज किए हैं एक ही पेटल में। सो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पहले मैंने लाइक पिंक कलर किया, उसके टिप पे ही मैंने येलो कलर लिया और फिर उसको ब्रश की हेल्प से मर्ज कर दिया। सो इस तरह से आप टू शेड्स को भी
काफी टू शेड्स भी आप उसमें मर्ज करके कर सकते हैं। अभी हमारा पेंटिंग यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब मैंने स्पार्कल की हेल्प से भी कुछ डेकोरेशन की थी इसमें, एंड नीचे बेस जो है लाइक भगवान जी के जो चरण का पोर्शन है वो अभी कुछ ब्लैंक लग रहा है, तो वहां पर हमने ब्लू कलर का इफेक्ट दिया था। सो जो मेरे को ऐसा लग रहा था ये प्लेस मिसिंग है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कर सकते थे, वहां पे मैंने स्पार्कल कलरफुल स्पार्कल की हेल्प से इसको डेकोरेट किया। ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी हमारा आउटलाइन वाला पोर्शन था वो थोड़ा लाइट हो गया था, तो लास्ट में आपको थोड़ा टचअप तो देना ही पड़ेगा। सो मैंने आउटलाइनर कोल का फिर से यूज करके आउटलाइन की थी जहां पर भी हमारी आउटलाइन फिनिशिंग से नहीं थी या फिर वो कलर के नीचे दब चुकी थी। सो आउटलाइनर की हेल्प से मैंने यहाँ पर अभी इसे टचअप दिया था। ये है हमारा कंप्लीट होने के बाद फाइनल लुक। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।